सीरियल मैं हूं साथ तेरे, यहां जानवी की मुश्किलें एक बढ़ती चली जा रही है, लेकिन थैंकफुली आर्यमन इज देयर टू हैंडल स्टफ। क्या है ना, ये जो रहना है इसने अच्छा खेल खेला था, मतलब सोशल वर्कर्स को बुला लिया था कि किसी तरह जानवी के बेटे को वो जानवी से दूर कर दे, लेकिन थैंक गॉड, इसे कहते हैं अच्छी टाइमिंग। आर्यमन बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री की है आपने। जिम्मेदार लग रही है, गैस ऑन थी, बच्चा घर में अकेला था, ये सब जानलेवा हो सकता था ना। अकेली माँ होकर आप अपने बच्चे को इतनी देर अकेला छोड़ देती है, ये सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना कि एक 5 साल का बच्चा अक्सर घर में अकेले ही रहता है। क्या आप ये गारंटी ले सकती है कि आपकी गैर हाजिरी में आपका बच्चा सुरक्षित होगा? बच्चों के बीच का कंपटीशन तो चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ तो रैना इस कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कियान क्रिकेट कंपटीशन में जीते और प्रिंस की सीट को छीन ले। इसीलिए तो आज उसने जानवी को अपनी चाल में पूरे तरीके से फंसा लिया है। दरअसल कियान घर में अकेला होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रैना घर में सोशल वर्कर्स को बुला लेती है और जानवी को उनके सामने गलत साबित करने की कोशिश करती है। अब सोशल वर्कर्स को ऐसा लगता है कि जानवी अपने बेटे कियान का ध्यान नहीं रखती है, और आज तो गैस भी खुली रह गई थी, उसकी वजह से अगर कियान को कुछ भी हो जाता तो इसका जवाब कौन देता। यस, प्लानिंग तो हमेशा चलती रहती है रैना की। तो इस बार के एपिसोड में प्लानिंग ये है कि वो चाहती है कि सोशल वर्कर्स आएं जानवी के घर में और देखें कि कैसे जानवी कियान के साथ कैसे रहती है, और बेसिकली सोशल वर्कर्स को जानवी के अगेंस्ट कर दें, और ऐसा कुछ हो जाए कि वो कियान को ले जाएं जानवी के पास से, और मेरे बच्चे की जो सीट है प्रिंस, जो क्रिकेट अकेडमी बेसिकली हमारा सब, पूरी क्रिकेट अकेडमी भी हमारी है, सो मेरे बच्चे की जो सीट है जो कि प्रिंस की होनी चाहिए थी, वो कियान की ना हो और इनका जो मैच होना चाहिए था वो भी ना हो। जानवी सोशल वर्कर्स को समझाने की कोशिश करती है, वो कहती है कि अगर वो घर से बाहर नहीं जाएगी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। यहाँ पर रैना की चाल कामयाब हो ही रही होती है, लेकिन इतने में आ जाता है आर्यमन। जी हाँ, आर्यमन ने बदल लिया है अपना रूप और वो सरदार जी बनकर लेता है एंट्री, जहाँ वो सोशल वर्कर्स को बताता है कि वो घर में गैस सर्विस करने के लिए आया था और उसे ही गैस खुली छूट गई थी। गलती से गैस सर्विस करते करते ना, और चेक करने वास्ते और गैस की नॉब में ऑन छोड़ दी थी। सॉरी जी, ऐसे में वो रैना के इस पूरे प्लान को फ्लॉप कर देता है, जहां सोशल वर्कर्स को जानवी पर यकीन हो जाता है। फिलहाल तो रैना का पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका है, और ऐसे में अब देखना होगा कि अब कंपटीशन में क्या होता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये ऋषि और लक्ष्मी, इनकी कहानी तो आगे तब बढ़ेगी जब ये पकड़न पकड़ाई का ये खेल खेलना बंद करेंगे। ऐसा लगता है इनको देखकर कि इनकी कहानी ना सर्कल्स में जा रही है। अब पारो घर वापस आ गई है, खुश हो जाइए, लेकिन नहीं, ये आपस में ही उलझे पड़े हैं, तो लाइफ कैसे सुलझाएंगे। अब ऋषि और पारो तो हमेशा बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं, अब तो दोनों पूरे ही बच्चे बन चुके हैं, क्योंकि आज दोनों पकड़म पकड़ाई का खेल जो खेल रहे हैं। जहां लक्ष्मी भाग रही है और ऋषि उसे पकड़ रहा है। लक्ष्मी, कितना भागोगी लक्ष्मी? चुप जाओ। अब
अब ऋषि लक्ष्मी को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि इस घर में लक्ष्मी की वही जगह है जो कभी हुआ करती थी, और वो पारो और लक्ष्मी को इसी घर में रखना चाहता है। लेकिन लक्ष्मी तो ऋषि की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मारी खींच चुके हैं ये, हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से, पहले भी थी, आज भी और हमेशा से रहेगी लक्ष्मी। अब ऋषि और लक्ष्मी की आंखों में हमें एक दूसरे के लिए प्यार तो दिख रहा है, लेकिन लक्ष्मी अब ऋषि के साथ नहीं रहना चाहती है और वो पारो को भी यहाँ से ले जाना चाहती है। जब तुम्हें यहाँ पे किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं पारो को क्यों ले जाना चाहती हूँ? लक्ष्मी देखो, मैं जानता हूँ तुम पारो को कहाँ ले जाना चाहती हो। आज तो घर वालों के सामने ये सच भी आ गया कि लक्ष्मी जिंदा है और पारो लक्ष्मी की ही बेटी है। यहाँ ऋषि तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या पारो उसकी भी बेटी है। लेकिन आज तो सबके सामने करिश्मा ने लक्ष्मी की बेइज्जती कर दी और उस पर ये आरोप लगा दिया कि लक्ष्मी सिर्फ पैसों के लिए वापस आई है। हाँ, वो भी पता चलता है कि ऋषि को कि पारो उसी की बेटी है, बट इन द एंड करिश्मा भी लाइक करिश्मा वो बोलती है कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, पैसों के लिए ये करे, किसी और का बच्चा ऋषि का बता रही है, सो डीएनए टेस्ट वगैरह करवाओ, ये वगैरह पूरा ड्रामा। अब ऋषि तो बहुत कोशिश कर रहा है लक्ष्मी को रोकने के लिए, लेकिन लक्ष्मी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या लक्ष्मी दोबारा घर में वापस आती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं अबीरा ना एकदम अकेली सी पड़ गई है। जाहिर सी बात है, कोई भी उसकी सिचुएशन में होगा अकेला ही महसूस करेगा। अब देखिए ना, अबीरा और अरमान का डाइवोर्स क्या हुआ, दादी सा और वो पूरा परिवार ऐसे फिफ्थ गियर लगाकर रूही अरमान की शादी कराने पर तुल गया है कि जैसे तो ये इंतजार कर रहे थे कि अबीरा का एग्जिट हो और रूही की एंट्री हो। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब में अरमान बाबू ऐसे हेल्पलेस से खड़े हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या चाहते हैं। आज मनीष जी और स्वर्णा जी की शादी की पार्टी के शुभ मौके पर रूही और अरमान की सगाई होगी। वाकई में अभीरा के साथ बहुत बुरा हो रहा है। रूही ने अभीरा से उसका सब कुछ छीन लिया है। अब दादी सा ने रूही और अरमान की एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट जो कर दिया है, और आज अभीरा के साथ कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। अभीरा को जब वो देखेगी, पहली बात तो उसको पता भी नहीं था कि वो जिस होटल में इंटरव्यू के लिए जा रही है वहाँ पर गोयनकाज और पोदार्स ऑलरेडी होंगे। ऊपर से ये देखना कि एंगेजमेंट अरमान और रूही की वहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए तो ये मुश्किल पल तो है ही। और उसमें एक ही बी नानू ही ऐसे थे जो रूही के साथ नहीं थे और जो कोशिश कर रहे थे कि शादी ना हो, पर जब वो भी मान जाते हैं कि अरमान और इनकी दोनों की शादी के लिए मैं तैयार हूँ, तो उसकी आखिरी होप भी टूट जाती है। सो बहुत ही होपलेस फील कर रही है इस टाइम पर, वो तो आंखों में आंसू आ रहे हैं और अरमान बस उसे देखे जा रहा है। अब घर वाले तो एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ चुके हैं और वो जल्द से जल्द रूही और अरमान को एक करना चाहते हैं। तभी तो मनीष और स्वर्णा की एनिवर्सरी पार्टी में दादी सा ने अरमान और रूही की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज मनीष जी और स्वर्णा जी की शादी की पार्टी के शुभ मौके पर रूही और अरमान की सगाई होगी, आज उनका दिखा। और इस फंक्शन में अभीरा भी मौजूद थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस होटल में वो अपने इंटरव्यू के लिए जा रही है उसी होटल में ये सब कुछ हो रहा है।
लेकिन मनीष जी इज़ नॉट रेडी फॉर इट और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि रूही की शादी अरमान से आज नहीं होगी, कल नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। रूही को देख के, क्योंकि रूही ने बोला कि मैं अपनी किस्मत भी बदल दूंगी, तो आई थिंक वो सुनने के बाद मनीष जी हाँ तो कह दिया, लेकिन दिल से हाँ नहीं कहा। बिल्कुल वो तो बिल्कुल उसका तो दिल टूट गया। अब पार्टी तो मनीष और स्वर्णा की एनिवर्सरी की थी, लेकिन दादी सा यहाँ सबके सामने ऐलान करती हैं कि वो अरमान और रूही की सगाई करवाने जा रही हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि मनीष कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं और ऐसे में वो इनकार कर देते हैं अरमान और रूही की शादी के लिए। अरमान और रूही की सगाई नहीं हो सकती, रूही और अरमान कभी एक नहीं हो सकते। अरमान और रूही न कल एक हो सकते थे, न आज और ना ही कल हो पाएंगे। सुख एक बहुत जरूरी है, बड़ा अहम हिस्सा है जीवन का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही करना भी उतना ही जरूरी है। तो जिस वक्त में जो सही लगे, अभी तक तो सही किया जा रहा था वीरा के लिए, और वो कहीं रूही के आंसू देख कर, उसकी तड़प देख कर, उसका प्यार देख के ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके साथ कोताही कर रहा हूँ, कहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं भावनाओं में बह के उसके लिए हाँ कर दी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब मनीष रूही और अरमान की शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि रूही के आंसू देखकर मनीष का दिल पिघल जाता है और वो रूही और अरमान की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, हालांकि वो मन से ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी एक बेटी को खुश करने के लिए दूसरी बेटी का दिल तोड़ दिया है और अब हीरा को तो आज ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में अब उसका कोई भी नहीं है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना, भगवान ने जो ऊपर जो बनाया था ना, लड़कियों को मल्टी टैलेंटेड बनाया था। लड़कियां जो दुनिया में जो कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। हम बात करेंगे सुमना की, जिन्हें कॉमेडी भी आती है, जिन्हें हमने एक्टिंग लाइन में देखा, अब वो खतरों से लड़ने जा रही हैं। बी रेडी सुमना। एब्सोल्युटली यस, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये एक होता है ना, हर एक एक्टर का जो बकेट लिस्ट होता है, क्या क्या करना है। एटलीस्ट मेरा तो रहा है हमेशा से, आई थिंक मैं एक्टर बनी इसीलिए थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू नो, थोड़ा सा डार्क थोड़ा। तो डेली सोप में ऑफकोर्स ड्रामा भी किया है, फिर कॉमेडी भी हुआ है, अब फाइनली एडवेंचर भी हो रहा है, क्या पता इसके बाद मर्डर क्राइम सब होगा, एक एक करके रोमांस सब होगा। भाई रोमानिया है जगह, और जहाँ पे लोग जाते हैं हनुमून के लिए, मतलब छुट्टियाँ बिताने के लिए, और वहाँ पे आप लोग सांप बिच्छू मगरमच्छ से मिलने जा रहे हैं। तो वही है ना, इट्स ऑल अबाउट ट्विस्टिंग इट अराउंड, बट लाइफ ऐसी तो है, मतलब कहाँ आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं, है ना। लेकिन सुना, जब सामने आया खतरों की तैयारी करना है, तो ये तो ना हर एक का एक डर होता है, आपका क्या डर है और उसे किस तरह से आप बोलते ना उपाय करें, भाई ये डर मेरा कम होना चाहिए। यू नो, मैं सच बताऊँ, मेरा एक्चुअली में ऐसा कोई डर है नहीं। मतलब कुछ लोगों को जैसे पानी से डर लगता है, तो मैं तो आई एम अ वाटर बेबी, आई हैव बीन ऑलवेज सिंस बर्थ, तो पानी से तो बहुत प्यार है। बट हाँ, तो इसीलिए लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम डूइंग वाटर स्टंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग नॉर्मल स्विमिंग में जाते हैं या ओशन में जाके तैर लेते हैं, मज़े करते हैं, बट एक स्टंट करना एक बहुत अलग चीज़ है, यू नो, अपने में टू डू अ वाटर स्टंट। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, इन द सेंस मैं वैसी हूँ इन रियल लाइफ, कि कोई चीज़ अगर चैलेंजिंग लगे कि शायद ना कर पाऊँ, बट देन आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर। तो वो मेरा है मेरे अंदर वो कीड़ा, टू डू थिंग्स दैट पीपल मे थिंक आई मे नॉट बी एबल टू डू इट। लेकिन डर सबको लगता है। अब जैसे ओके, मैंने 3 बार बंजी जंप किया है, बट तीनों बार उतनी ही
यू नो लाइक पेट में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, यू नो बटरफ्लाइज, उतना ही डर लगता है जब आप एज पे खड़े हो और आपको कूदना है. आप भले ही 3 बार किया है मैंने, बट तीनों बार डर उतना ही है, क्योंकि इट्स नॉट नेचुरल राइट टू जस्ट जंप ऑफ इनटू व्हाटएवर नथिंग. तो ऑब्वियसली स्टंट, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को लाइक आई सेड पानी से डर नहीं, आई डोंट हैव अ फोबिया ऑफ वाटर और हाइट दैट, बट अब ऑब्वियसली थोड़ा तो वो घबराहट होगी. अब एनिमल्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि उनकी गारंटी मैं ले नहीं सकती, शायद मैं उन्हें पसंद ना हूँ, इवन दो आई मे लाइक एनिमल्स. कीड़े मकोड़े से डर लगता है? आई थिंक डर नहीं, थोड़ी सी घिन. इट्स नॉट कम्फर्टेबल, इट्स नॉट नाइस राइट. मतलब किसको मजा आता है चूहों के साथ और कॉकरोच के साथ रहने में राइट. तो ऑब्वियसली अब थोड़ा वो कम ही हो तो अच्छा है. फिर एक एक आई थिंक इट्स अ मेंटल गेम यू नो. आप कितना, अब जैसे अगर इलेक्ट्रिक शॉक है उसका आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे? कुछ नहीं कर सकते. मतलब थोड़ी ना मैं जाके हार्ड दूँ सॉकेट बॉक्स में, नहीं कर सकते ना वो. ना कि आप जू में जाके एनिमल्स के साथ कुछ कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए, जैसे लाइक यू नो आई नो एवरीवन इज आस्किंग व्हाट इज योर प्रेप, व्हाट इज योर प्रेप, बट आई जेन्युइनली फील, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स किया है, आप कितना भी कर लो जब वो मोमेंट आता है ना, तब एवरीथिंग गोज आउट द विंडो. तब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है और कुछ नहीं. स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्टंट, लाइक एयर बॉर्न कुछ क्लाइंब या पकड़ना हो तो ऑब्वियसली कभी, सो फिजिकल स्ट्रेंथ तब ऑफकोर्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट डिस्पाइट इट ऑल इट्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट इन टाइम. और इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए रोहित शेट्टी सर है जो वहाँ पे बताते रहेंगे, स्टिक लेके खड़े रहेंगे वहाँ पे, हमारे स्कूल मास्टर वहाँ पे होंगे, हमारे हेड मास्टर. सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम. शुभना बात को, इसके पहले जो भी लोग गए ना, अच्छे खासे गए, जब हम आए हैं तो ऐसे यहाँ पे ना निशानियाँ लेकर आए साउथ अफ्रीका की, तो रोमानिया से कुछ निशानियाँ मुझे पता है आ नहीं, बिकॉज जो स्टंट होते हैं ऐसे नहीं कि आपको चोटें नहीं लगेंगी, हार्नेस वगैरह है. कोशिश यही होगा कि ना लगे बिल्कुल भी. मैं लाइक वन पीस में जा रही हूँ, वन पीस में वापस आऊँगी इज माय गोल, एंड आई यूजुअली स्टिक टू माय गोल्स. तो आई होप एंड आई प्रे नथिंग ऑफ यू नो ऑनेस्टली. मैंने स्टंट टीम वगैरह से, इन लोग से, एंडमॉल द एंटायर टीम, अगर आप वैसे भी जब थोड़े बहुत जो स्टंट्स एक्शन हल्का बहुत हार्नेस पहन के जब टीवी शो पे भी किया है, इंजरी ना यूजुअली तभी होता है जब आप, इफ़ आई डोंट रियली पे इंस्ट्रक्ट यू नो अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस यूजुअली. क्योंकि अगर आपको कूदना है, आपको कूदना है, लेकिन उसके बीच में अगर मैं डर गई, मैंने केबल पकड़ लिया जबकि मुझे बोला है केबल ना पकड़ने के लिए, तब ऑब्वियसली थिंग्स विल हैपन. जब मुझे एक बार खुद इंजरी हुआ है ड्यूरिंग अ बंजी जंप, जो शोल्डर के लिए आई वॉज डूइंग रिहैब ऑल्सो फॉर दैट, इट वॉज लिटरली दैट लाइक यू आर टोल्ड टू कीप योर आर्म्स स्ट्रेट, स्टिफ, एवरीथिंग, लूज नहीं छोड़ना है. लेकिन मैंने वो 5 सेकेंड एक्साइटमेंट, डर की वजह से नहीं, एक्साइटमेंट के चक्कर में, अरे स्विस काउज और सब देख के एक्साइटमेंट, हाथ लूज छोड़ दिया. क्या हुआ? ठक, इंजरी. तो यूजुअली जब इंजरी होता है, इट्स बिकॉज वी हैव नॉट पेड अटेंशन एंड वी हैव बीन स्टूपिड. एक मैं दौर से गुजर चुकी हूँ जहाँ अगर हम 4 लोग खड़े हैं, ऊपर से कुछ गिरना हो तो मेरे ऊपर ही गिरेगा. देयर वॉज अ फेज वेयर आई थॉट आई वॉज वेरी वेरी एक्सीडेंट प्रोन विदाउट मी हैविंग टू डू एनी थिंग लाइक लिटरली. अच्छा, 27 मई से ही सोनी टीवी पर भी आएगा एक नया शो, पुकार दिल से दिल तक. गेस व्हाट, सीरियल की शूटिंग जो है वो जयपुर में हो रही है, एंड यू नो ना जयपुर इज सच अ शॉपिंग डेस्टिनेशन कि भैया लोग काम छोड़िए स्पेशली शॉपिंग करने जाते हैं, और ये तो काम कर रहे हैं जयपुर में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मौका मिले और ये लोग शॉपिंग ना करें.
अभिषेक निगम। माय नेम इज अनुष्का मोचेंडे और हम जयपुर घूम रहे हैं और आज अभी हम एक बहुत सुंदर सी साड़ी के शॉप में जा रहे हैं। मुझे लगता है हम सब अपनी मम्मियों के लिए साड़ियाँ ले रहे हैं। सो चलते हैं साड़ी के शॉप में और देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये ऐसे अंगूठी से बाहर निकल आती है, ये अंगूठी से बाहर निकला। फरमाइश भाई है कि वो अंगूठी से निकल जाए। मेरा टर्न है वीडियो कॉल करने का मम्मी को। मम्मा उठा लो अभी फोन। साड़ी बहुत अच्छी है, मेरी चॉइस भी। We're done with the shopping. और खाना पहले से शुरू हो गया है। हम चार खाने हो गया हंगरी। बार्गेनिंग करी है फिर बेल खा लेते हैं तो हमारी जो बार्गेनिंग की जो ताकत है वो बची रहेगी। चलो तो कुछ खा लेते हैं। We'll have chaat. Yeah. Let's eat something. Street food खाते हैं। Really good. Yeah. अंकित शर्मा रे। अच्छा आप कैमरा पे हाय बोल दीजिए। देखो आपको यही बोलना है, हाय देखिए पुकार सिर्फ सोरी टीवी पर। बोलिए। ये मेरे से मैं इतना बोलना नहीं। बोलिए बोलिए। देखिए पुकार बोलना पड़ेगा। देखिए पुकार। देखिए पुकार। सोनी टीवी पर। सोनी टीवी पर। आप भी देखिए। तो हम यहाँ पर आए हैं यहाँ की बहुत अच्छी भीड़ वाली जगह पे जहाँ उनका नाम है रामचंद्र चाट भंडार। हम कोशिश करेंगे कि हम चाट भाट खाएं यहाँ पर क्योंकि देखिए चाट खाना मैं बहुत पसंद है। क्या बात कर रही हो? पहली बार खा रही हूँ यार। ये जो आलू टिक्की वाली वैरायटी है ना, ये वहाँ मुंबई में मिलती नहीं है। ये ऐसी वाली नहीं मिलती, मुझे भी पता है। ये बहुत क्रंची सा लगता है। हाँ, तो ये जो आलू टिक्की है ना, इससे मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और मेरी फेवरेट है। तो मैं कहीं पे भी आलू टिक्की देखता हूँ तो एक बार ट्राई जरूर करता हूँ कि कैसी है, क्या है, खाने में कितना मजा आ रहा है। और मुझे मजा आता है। अपेरेंटली यहाँ की भी अच्छी है। या मुझे वैसी वाली, मतलब पानी पूरी खानी है मुझे। पानी पूरी, सेव पूरी, वैसा कुछ खाना है। दही वाला क्या आइटम एक चीज बनाइए। फाइनली अभी हमने दही चाट, दही चाट खा ली, दही चाट और आलू खा ली, आलू टिक्की खा ली। और अब हम इस छोटे बच्चे की दुकान संभाल रहे हैं थोड़ी देर के लिए।
थैंक यू। क्या खाएगा? सामान ले जाओ। मैं चल ठीक है तेरे यहाँ से सामान ले लेती हूँ। मैं क्या लूँ? गर्ल सेफ टिफिन ले ले, टीवी ले लो। अब ये मत बोलना मैं मम्मी के लिए सेफ टिफिन ले रहा हूँ। एक कोम उठा लो। हाँ ये ले लो, तुम ये ले लो। Hi guys, welcome back. Absolutely. तो हम चुस्की खाने जा रहे हैं। इसे हम गोला कहते हैं। मुंबई में गोला कहते हैं। काला खट्टा फ्लेवर। काला खट्टा फ्लेवर। इट्स योर फेवरेट। पिंक और वो सब पसंद है। हाँ, मैं। वो गलती से ना ये सोबो लड़की है। अरे आई नो आई लव। हाँ भैया भाया बेचारी भाया गोला खाने चले भाया भाया गोला खाने चले। फाइनली मिल गया लास्ट फॉर द डे। You were the first person to say, हाँ मैं गोला खाऊंगा। मैं? या मैंने पहले बोला कि मुझे गोला खाना है, सर यस हाँ। मैं गोला खाता, पर फिर मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट लगी थोड़ी। Stop talking about hygiene and all, okay? थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मस्ती। मेरे हिसाब से जिस तरह की मस्ती हमने करी, हमने पूरे जयपुर को पुकार लगा दी हमारा शो देखने के लिए। सो प्लीज देखिएगा हमारा शो पुकार सोनी पे। बहुत जल्दी आ रहे हैं हम आप सबसे मिलने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपने टीवी पे बहू को डांस करते हुए देखा है, झगड़ा करते हुए देखा, स्टंट करते हुए देखा, लेकिन रियल लाइफ में नियति अब करने जा रही है स्टंट। नियति आर यू रेडी? यार आप इस तरह से मुझे नियति आर यू रेडी? हाँ आई एम रेडी। और अभी तो मैंने शो साइन कर लिया है, तो अभी मैं यही बोलूँगी यस आई एम रेडी। ऑल दो मुझे दिल में बहुत धक 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 हो रहा है, डर लग रहा है, यू नो नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, बट हाँ ये सब तो है। और मुझे लगता है कि ये वहाँ पे भी जाके होगा, हर हर दिन होगा जब मैं नए नए स्टंट को फेस करूँगी, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। बट सबसे बड़ा खतरा आपके लिए क्या है, जो कहते हैं कि वो भाई हो ही नहीं सकता मेरे से? अरे यार मुझे पानी का मेनली बहुत ही स्ट्रेस है, स्पेशली जो पानी में जो सांस रोक के रखना होता है, और यहाँ पे तो ऑफकोर्स यही सब होता है, सिर्फ स्विमिंग तो करवाएंगे नहीं जाओ, बट वही है कि सांस रोक के जो भी स्टंट है मुझे बहुत बहुत डर लगता है उससे। और आपको कहते हैं ना अजगर मगरमच्छ कीड़े मगर, कुछ डर नहीं लगता? अभी मैं क्या बोलूँ, आपने जैसे पूछा कि ना इसका किसका डर लगता है, तो ये पानी का तो डर मुझे पता है, मैंने महसूस किया हुआ है। अब मगरमच्छ और ये सब तो मैंने रियल लाइफ में तो कभी टच नहीं किया है, उनके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है कि फिर भी वो मैनेजेबल है, वो मेरा सुंदर चेहरा देखेंगे तो मुझ पर रहम खा लेंगे। हम जस्ट होपिंग ऐसा हो, बट मुझे लगता है मैं क्रीपी क्रॉलीज को फिर भी मैनेज कर लूँगी, क्योंकि वो मेंटली मैं खुद को बोलूँगी कि बस ख़त्म हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, बट ये पानी का ही मेन डर है। वेजिटेरियन है तो जो कीड़े मकोड़े आएंगे सामने किस तरह से वो मैनेज कर लूँगी? आई नो, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था तो उन्होंने पहले वही कहा था कि यार खतरों कैसे करेगी, उसमें कीड़े गिरते हैं मकोड़े गिरते हैं मुँह में चले जाएगा, बट कई बार मुँह से उठाना ही पड़ता है। ओ शिट, सच में? यस। ये देखो ये आपने नई चीज़ें बता दी मुझे, ओ गॉड शिट।
पता नहीं यार, बट मैं ऑनेस्टली जब भी मुझे टास्क करना होगा तो मैं कर लूँगी, यू नो, बिकॉज आई एम अ पर्सन लाइक दैट, जिसे जल्दी से अबॉर्ट करना पसंद नहीं है, यू नो, तो मैं ये सब चीज़ें कर तो लूँगी, यू नो, डर डर के करूँगी बट कर लूँगी. ये डर को मिटाने कुछ कर रही हैं आप? हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ. नहीं, मतलब मैं खुद को रोज़ पेपटॉक दे रही हूँ कि छिपकली के साथ, यू नो, छिपकली के साथ वार्तालाप करनी पड़ेगी, मगरमच्छ के साथ सीन करना पड़ेगा, ये शूट होगा, वो शूट होगा, तो यू नो, मेरा वही मेंटल पेपटॉक चल रहा है कब से, और आई थिंक पूरे खतरों के सीज़न में यही मेरा रहेगा कि मैं बस खुद को हिम्मत देती रहूँ. और भी कंटेस्टेंट जा रहे हैं तो कुछ बातचीत हुई है कि उन लोगों से दोस्त वोस्त हुई कि नहीं हुई? हाँ, मतलब मेरी अदिति से बात हुई थी और कृष्णा से भी बात हुई थी, तो बट हाँ, सबका यही हाल है, वो सबका कुछ ना कुछ फियर यही है कि किसी को क्रीपी क्रॉली से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, तो आई थिंक ये शो ही ऐसा है जहाँ पे सबके जो वीक पॉइंट भी टेस्ट किए जाएंगे और स्ट्रेंथ भी टेस्ट की जाएगी. लेकिन इन दोनों का तो संतुलन करने के लिए रोहित शेट्टी है. एग्जैक्टली, बट ये मतलब यू नो, बिकॉज रोहित सर इज़ द ओ जी ऑफ ऑल द स्टंट्स, यू नो, एंड उनको स्टंट्स का ए टू जी सब पता है, तो यू नो, मैंने कई बार एपिसोड्स में देखा है कि वो कंटेस्टेंट को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, यू नो, अगर कोई जैसे मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें द कंटेस्टेंट वॉज लाइक, यू नो, हाइट का था, और बिफोर अटेम्प्टिंग ओनली ही वॉज लाइक अबॉर्ट कर दूँ, अबॉर्ट कर दूँ, बट रोहित सर वॉज लाइक नहीं, अबॉर्ट नहीं करना है, जो गो एंड गो एंड. तो आई थिंक इज़ अ पर्सन जो अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं, तो वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि अगर वो मुझे कुछ भी थोड़ा हिंट दे रहे हैं या किस तरह से आगे जाना है, तो मैं डेफिनेटली वो फॉलो करूँ और यू नो, उसी डायरेक्शन में जाऊँ जिस तरह से वो बोल रहे हैं. बट कभी ऐसा हुआ, एक से होता है कि हम टीवी के में जब कुछ स्टंट होता है हार्नेस पे, पहला एक होता है डमी को कराते हैं, भाई यहाँ कर लो, तो ऐसा कभी होगा रोहित सर? नहीं, रोहित सर पहला आप करो उसका मैं करती हूँ. ऐसा कुछ होगा? ऐसा तो हिम्मत मैं नहीं कर सकती रोहित सर को बोलने की, प्लीज़ आ. नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, बट मैंने सुना है दैट यू नो, जो भी स्टंट्स होते हैं वो पहले जो भी वहाँ की टीम है वो ट्राई करती है, स्टंट मास्टर्स स्पेशली रोहित सर भी चेक करते हैं पहले. हाँ हाँ हाँ, और कई बार रोहित सर भी फुल्ली चेक करते हैं कि क्या कैसा है, और कई बार वो खुद भी वो स्टंट ट्राई करके देखते हैं कि डूएबल है या नहीं. सो आई मीन दैट्स हैट्स ऑफ, यू नो, टू चेक सो मच एंड यू नो, टू टेक केयर दैट यू नो ऑल द कंटेस्टेंट्स आर सेफ. सो या, अब चलिए बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा. अब इस कहानी को सुनकर ना आपका भी खून खौल उठेगा जैसे साइली का खून खौला है. क्या है कि सचिन के भाई की शादी है और सचिन के भाई ने 27 लाख रुपए उड़ा दिए हैं. अब सचिन को लगता है कि ये 27 लाख रुपए जो है वो होने वाले ससुराल से वसूल लेने चाहिए एज डाउरी. बस फिर क्या था, ये सुनकर साइली जो है वो भी अपना पॉइंट रख रही है, जो बहुत ही जायज़ है. अब बस सवाल ये उठता है कि साइली की ये अकलमंदी की बात कितनों को समझ आएगी. उसको वो लड़की वालों से 27 लाख महीने निकाले, फिर शादी करना है, खड्डे में जाए, जोकर में जाए करे. और तेजस बोला है ना, वो पैसा वापस करेगा, और अभी हमें पैसों की बात नहीं करनी चाहिए. मुझे नहीं लगता मैं लड़की अच्छा, और तेरे को पूछा कौन? मैं शादी में रहने की इच्छा कर रहा हूँ, बाई बाई जी को शादी कर रहा हूँ. जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही कर रहा है सचिन, क्योंकि उसके भाई ने 27 लाख रुपए जो गवा दिए, अब इसका भुगतान किसी को तो करना पड़ेगा. तो बस फिर क्या, सचिन ने सोच लिया है कि वो तेजस से किसी भी हाल में पैसे निकलवा कर ही रहेगा, फिर चाहे जो हो जाए. और अब तो वो शादी कर रहा है तो इसलिए काफी आसान हो जाएगा उससे पैसे निकलवाना. इसके लिए देखिए आखिर क्या कुछ सोचा है सचिन ने. लालची आदमी, तेरे पैसे का क्या, कब देगा पैसा, वो कहां से देगा,
उसको वो लड़की वालों से 27 लाख पहले निकाले, फिर शादी कर मैं खड्डे में जाए, नौकर नहीं करे। अरे अरे सचिन, आप जरा संभल जाइए, क्योंकि अब आप अकेले नहीं रहते हैं, आपकी एक धर्म पत्नी भी है, और अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो उसे बुरा भी लग सकता है। अच्छा, और तेरे को पूछा कौन? मैं शादी में रहने 27 लाख का झोल ये है कि साइली को अभी पता चलता है सचिन के थ्रू कि तेरे सालों में तेरे से शादी के लिए गायको माना था, क्योंकि उसको बाबा के रिटायरमेंट के पैसे मिल रहे थे 27 लाख। अभी वो पैसा लेके भाग गया है, तो अभी तू मेरे गले पड़ गई है, तो 27 लाख भी मेरे को मिलने चाहिए ना। जबकि वो टेक्निकली खुद के लिए नहीं मांग रहा है, वो इसलिए मांग रहा है कि वो पैसे लेके बाबा को दे सके, ताकि बाबा की ज़िंदगी आराम से बीते। तो साइली को वो चीज़ बुरी लग जाती है कि मेरी कीमत लगाई गई है, मुझे खरीदा गया है, मैं बिकी हुई हूँ। तो मुझे बहुत ही हर्ट होता है सचिन की बातों से, और मैं फिर डिसाइड कर लेती हूँ कि अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तो वही सब चीज़ें चल रही है कि कैसे मैं वापस आ रही हूँ, और इतना मैं स्वाभिमान के ऊपर बात कर रही हूँ कि मेरे यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, कीमत लगाई है। तो वही ड्रामा है पूरा अभी ये सीन में, और कैसे हम पैसे निकलवाए ये भी अभी हम सीन में देखेंगे। लीजिए, आपकी बातों ने दुखा दिया ना साइली का दिल। अब जो बात आप नहीं समझ पाए, आपके पिताजी समझ गए। हम किसी और से क्यों पैसा ले? और तेजस बोला है ना, वो पैसा वापस करेगा, और अभी हमें पैसों की बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गलतियां करने से भी उसकी जिंदगी अगर सुधर रही है तो उसमें मुझे खुशी है ना। उम्मीद करते हैं कि आपके पापा की बातें आपको समझ आई हो, और आप अब कोई नई तरकीब निकालें। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अंगद के सर पर तो खून सवार हो गया, तभी तो देखिए बंदूक निकाल कर दिलजीत का काम तमाम करने निकले हैं। क्या है कि अब दिलजीत को लेकर ना अंगद काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अकीर और दिलजीत, एक्चुअली बोलना चाहिए दिलजीत जो है परेशान कर रहा है सबको अकीर को लेकर। अब जाहिर सी बात है अंगद का गुस्सा होना तो बनता है। जब बात बच्चे पर आ जाती है तब माँ बाप हर एक चीज को कर गुजरना चाहते हैं, और जब बात उनके बच्चे की दूर होने की हो तब तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ ऐसा ही हाल है अंगद का, जो चाहता है कि हर हाल में उसका बेटा अकीर उसके पास आ जाए। तभी तो देखिए ना कैसा हाल बना रखा है अंगद ने अपना। दलजीत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसकी बेइज्जती कर दी है, और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे को कैसे वापस ले आए। अब जो हाल हुआ है अंगद का, वो तो देखा नहीं जा रहा है किसी से। अब अंगद को अपने बेटे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उसे बस अपना बेटा चाहिए, वो भी हर हाल में। तभी तो उसने एक उपाय निकाला है कि वो हर हाल में दलजीत को अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। इसकी झलक एक बार आप भी देखिए। तो एक ही इंसान है जिस पे अंगद को बहुत गुस्सा आया हुआ है, और रीज़न भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं उसने। सो, दिलजीत के पास जा रहा है, ड्रंक स्टेट में है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत एंग्री है, अपने बच्चे को वापस पाना चाहता है, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहता है। सो, इस स्टेट में उसे ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि दिलजीत को जान से मार दिया जाए। वैसे अंगद को इस हाल में देखकर साहिबा कैसे पीछे रहती,
वो दौड़ी दौड़ी चली आई अपने अंगद के पास। और इस बार वो अकेली नहीं है, गैरी भी उसके साथ है। दोनों मिलकर काफी कोशिशें कर रहे हैं कि अंगद को संभाल लें, लेकिन अंगद को बस इस बात का भूत सवार है कि वो दलजीत को मार देगा। अंगद ने ऐसे गन नहीं उठाई है किसी पे, बट हाँ गुस्से में ड्रंक तो हमने पहले भी देखा है। बट इस टाइम बात उसके बेटे की आई हुई है, बहुत परेशान किया है, बहुत ह्यूमिलेट किया है पिछले कुछ एपिसोड्स में। सो इस वक्त मेंटली वो कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है, बहुत गुस्से में। अब अंगद के सिर पर तो खून सवार है, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो कौन सा कदम उठाता है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि साहिबा उसे कैसे रोकेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी में, जहां पर लक्ष्मी की शादी का संगीत हो रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी वन म्यूजिकल इवनिंग। क्या है ना कि उदित नारायण जो पहुंचे हैं रंग जमाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि कार्तिक जो है वो म्यूजिशियन है। अब जाहिर सी बात है कि म्यूजिशियंस के साथ सुर से सुर मिलाएंगे तो एकदम सुरमयी हो जाएगा पूरा वातावरण। नाच गाना ना हो तो मजा भी तो नहीं आएगा। आज क्या मंगल और क्या लक्ष्मी सभी संगीत में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, इन सभी को मिला है लेजेंडरी सिंगर उदित नारायण का साथ। कार्तिक जो है वो एक सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर है, सेलिब्रिटी हमारे शो में, और उनके गुरु रह चुके हैं उदित जी, तो इसलिए उनके संगीत के कार्यक्रम में वो आते हैं। और ये मंगल इससे अनअवेयर होती है, एकदम से वो आते हैं तो वो बिलीव नहीं कर पाती है और वो खुशी से झूमने लगती है, जैसे एक फैन यू नो खुश हो जाता है ये देख के। अब उदित आए हैं तो उनके गानों पर थिरकना तो बनता है, बस फिर क्या, लड़का और लड़की की फैमिली के बीच हुआ एक मजेदार कॉम्पिटिशन, और इस चैलेंज में सभी ने पूरा पूरा आनंद लिया। एक तो गाना अब मैंने गाया इसलिए नहीं, ये लोगों के पसंदीदा गाने में से है, जानम देख लो मिट गई दूरियां और मेरे यार की शादी है, दोनों गाने कमाल हैं और सिचुएशन में एकदम बिल्कुल फिट बैठता है दोनों गाने। वैसे खास बात तो ये है कि इस कंपटीशन के बाद दुल्हा और दुल्हन ने किया एक खास परफॉर्मेंस, जिसको देखने के बाद सभी बस इन्हें ही देखते रह गए, और इनका पूरा साथ दिया उदित नारायण ने। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड है कि वो आए हैं फाइनली हमारे संगीत पे, अपनी रियल फीलिंग्स दिखा दी तो फिर शूटिंग रह जाएगी। और शूट के साथ साथ हमारे अंदर की एक फैन गर्ल और इसके अंदर का एक फैन बॉय ऐसे फुदक रहा है। अब नाच गाना तो खूब हुआ, अब बारी आई रिजल्ट की, जिसको खुद उदित ने सुनाया और उनके जवाब ने सभी के दिल को छू लिया। आज तो जी लड़के वालों की हुई है,
वैसे ये शाम वाकई में काफी यादगार थी। बस जो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, कहीं वो सभी चीजों को फीका ना कर दे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में एंट्री हो गई है मिस्टर गुलाटी की। नहीं नहीं नहीं, कोई आइडियाज नए नए अपने जहन में आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये सियापा पाने आए हैं, यानी कि मिलन है प्रॉपर, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटर है ना। अनुपमा का रेस्टोरेंट अच्छा कर रहा है और भाई साहब का रेस्टोरेंट कॉम्पिटिशन में आ गया है। अब जाहिर सी बात है कि भैया एक महिला और उनका काम, उनका बिजनेस इतना अच्छा कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब मिस्टर गुलाटी आए हैं तो अनुपमा की परेशानियां बढ़ने ही वाली हैं। गुलाटी जी, ये जवाब न देना भी अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होगा। तो क्यों उसी बात को फिर से छेड़ कर अपना और मेरा तो और ऊपर से हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है किसी को माफ नहीं करता। कब कैसे कौन जमीन में पटका जाता है पता ही नहीं लगता। शुक्ला जी, मिस्टर गुलाटी, आप इस वक्त हमारे रेस्टोरेंट में हमारे मेहमान, हवा में कैसे उड़ते हैं ये मैं भी आपको बता सकता हूँ। थोड़ी ठंड में रखो। और आप थोड़े लेट नहीं है, काफी लेट है। हमारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और हमें काम पे तो हम जा रहे हैं, इसलिए जय श्री कृष्ण। अब एक औरत जब ऊंचाइयों को छूती है तो बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत होती है। अनुपमा भी इन दिनों बहुत खुश है, लेकिन कहीं उसकी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। अब मिस्टर गुलाटी चाहते हैं कि अनुपमा उनके रेस्टोरेंट में काम करे, लेकिन अनुपमा ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया है। अब अनुपमा छोटी मोटी शेफ नहीं है, वो स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट की मालकिन है। यशदीप अब बिजनेस में उसका पार्टनर है, ऐसे में वो अपने रेस्टोरेंट को छोड़कर किसी और के रेस्टोरेंट में भला क्यों ही काम करेगी। मिस्टर गुलाटी हैं, ये एक अगला एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है जो आने वाला है कहानी में। मिस्टर गुलाटी कुछ अड़ंगे पैदा करने वाले हैं अपने स्टाइल में, और वो आए हैं यहाँ पे, और वो इससे पहले भी उनका भी यहाँ पे एक होटल है, सेम एरिया इंडियन होटल है, जो अब चलना बंद हो गया। तो वो चाह रहे हैं कि अब अनुपमा उन्हें ज्वाइन करे, इस तरह का एक ट्रैक है। लेकिन यहाँ मिस्टर गुलाटी तो बड़े प्यार से अनुपमा को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अनुपमा कहाँ किसी से डरती है। अब रेस्टोरेंट में फेमस फूड क्रिटिक भी आने वाले हैं, और अगर उन्होंने रेस्टोरेंट को अच्छी रेटिंग दी तो अनुपमा और यशदीप के इस रेस्टोरेंट को और भी पॉपुलैरिटी मिलेगी। हमारे रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़े फूड क्रिटिक हैं, एक व्लॉगर हैं, वो आने वाले हैं, और अगर ये हमारे रेस्टोरेंट में आ गए और हमारे रेस्टोरेंट के खाने को खा के अगर उन्होंने अच्छी रेटिंग दे दी, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो हमें पता है कि हमारा रेस्टोरेंट फिर आज जहाँ है उससे चार गुना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, और लोग उसे और ज़्यादा पसंद करेंगे, और ज़्यादा बिजनेस होगा। दूसरी ओर वो आध्या के बोदे की तैयारियां भी कर रही है। अब ऐसे में हम तो यही चाहते हैं कि अनुपमा की इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आशीष को आपने ना अब तो जो रूप में देखा ना, ये पूरा रूप अलग है। तो आशीष मेहरोत्रा,
यस केदार आशीष मल्होत्रा। हाँ तो आशीष ये पहले बताओ क्या जब खतरों खिलाड़ी सामने आया था सबसे पहले दिमाग में क्या चल रहा था, करना है कि नहीं करना, बिकॉज चलता हुआ एक शो है, करना है कि नहीं करना। यस ब्रो मैं उस जगह पे नहीं हूँ कि मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं करना, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने मुझे मौका दिया, आई एम सो वेरी वेरी हैप्पी ओवरवेल्म्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका दिया गया और मैं जी जान लगा दूंगा यार, मतलब मुझे खेलना है, मजे करने हैं, एंजॉय करना है, इस पूरी जर्नी को जी के आना है, दैट्स माय ओनली एंड ओनली आइडिया, लेट्स सी। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शो चल रहा था, किस तरह से परमिशन लिया, क्या बातें हुई, ये बताना चाहेंगे प्लीज। शो तो चल रहा है और मेरी दुआ है कि वो चलता रहे, सबके घर अच्छे से चलें, सब खुश रहें, मस्त रहें। बट आई थिंक मैं शो को जितना दे सकता था और मैंने उससे ज़्यादा दिया, और शो ने मुझे जितना दिया उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और इट वॉज़ अ टाइम इन माई लाइफ वेयर आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मी, आई वॉन्टेड टू फाइंड मी, आई वॉन्टेड टू एड टू मी, तो वो बहुत ज़रूरी था। और वो डिसीजन मैंने ले लिया था कि अब 4 साल हो गए हैं एंड आई शुड मूव ऑन इन माई लाइफ, आई शुड फाइंड दैट मी फैक्टर, एंड देन It's been just a coincident journey life में ऐसा आया कि मैंने बोला कि मुझे करना है करना है करना है और मान गए और हो गया। लेकिन खतरों के खिलाड़ी है भाई, प्लस डर किससे लगता है? डर मुझे सडन हर चीज़ से लगता है। पानी में अगर मुझे दिख नहीं रहा तो मुझे डर लगता है, अंधेरे से मुझे डर लगता है बिकॉज मेरा दिमाग बहुत तेज़ दौड़ने लग जाता है, आई स्टार्ट इमेजिनिंग कि अरे कोई आ जाएगा, कोई भूत आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो चीज़ें बहुत मेरे साथ प्ले अराउंड करती हैं। बट विद लाइफ विद टाइम मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा टेकन ओवर कर। ऊंचाई से डर लगता है, करंट से डर लगता है, जानवर से डर लगता है? भाई जानवर सारे दोस्त तो है नहीं मेरे, कुत्ते और बिल्ली को छोड़ के, कुत्ते बिल्ली से तो फिर भी हम लोग बातें कर लेंगे, उसके अलावा जो मगरमच्छ सांप और अजगर वजगर छोड़ देते हैं उनके आंखों में देखने से फट जाएगी ना आपकी, तो मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट डर तो ऑब्वियसली बहुत लगता है इन सबसे सब चीज़ों से, क्योंकि इट्स नॉट 3 माले की बिल्डिंग नहीं है, 4 माले की बिल्डिंग नहीं है, 80-90 माले की बिल्डिंग होगी अगर होगी तो, है तो क्या होगा नहीं पता। लेकिन इस डर को मिटाने के लिए कुछ आप कर रहे हैं अभी से, प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं आप कि भाई ये डर से किससे बचा जा सके? पता है डर होने वाला है, ये सामने आएगा, लेकिन इसके बचने के लिए कुछ उपाय आप देख रहे हैं? नहीं यार मतलब ऐसे उपाय क्या होंगे उससे बचने के लिए, वो तो इन द मोमेंट वाले डर हैं, आपको डर लगेगा और आप उसको कैसे फेस करेंगे, आपने अपनी लाइफ में अपने आप को कैसे नर्चर किया है कि आप क्विटर हैं या फाइटर हैं, वो आपको पता है अंदर से, है ना? तो मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, अब देखते हैं। ओके जब ये शो अब मिला है, अब इतने सारे कितने के कंटेस्टेंट भी, किसी से बातचीत हुई, दोस्ती यारी हुई कि नहीं अभी तक आपकी? नहीं यार मतलब मैं इस शो में दोस्ती यारी करने नहीं आया हूँ, वो बन गई तो बन गई, बहुत अच्छी बात है, मैं रहने वाला हूँ। और जितना मैंने लोगों को देखा है, जितना मैं उनसे एक बार मिला हूँ, सबकी एनर्जी बहुत अच्छी है, सब बहुत वेलकमिंग है, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं, दे आर ऑल इंस्पायरिंग पीपल, एंड मैंने सबको देखा हुआ है कहीं ना कहीं। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू शेयर माई सेल्फ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज देम विद देम, एंड ऑब्वियसली रोहित सर के साथ काम करने की इच्छा किसकी नहीं होगी, हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर, तो जितनी बार वो मौका मिले वो कम है, इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। ओके जब उनसे मिलेंगे तो सबसे पहले क्या कहते अल्फाज क्या होंगे और क्या बातचीत क्या होगी? हक कर लूँगा उन्हें सबसे पहले तो मैं हक करूँगा, आई हैव टू मेक इट रियल कि हाँ यही है, मैं उस मोमेंट में हूँ, मैं उन्हें हक करूँगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा गिनता तब पाऊँगा अपनी एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन जाती है ना आपकी बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालूंगा, फिर मैं थोड़ी सांस लेकर बोलूँगा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और देन या वो जो निकलेगा दिल से कर देंगे।